जैसा कि आप सोलो थम्बे में देख लिए कि अप्टाफेस लाइव विड्रॉल $454, आज मैं यहाँ पे $454 का लाइव विड्रॉ करने वाला हूँ ऑक्टाफेस में। और मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि अगर आप ऑक्टाफेस में मनी विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पे आप सभी को ऑक्टाफेस का पेमेंट प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे आप सभी लोग को पेमेंट कितने टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास कॉमेंट आता रहता है, सर ऑक्टाफेस में पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कितना समय लगेगा, इसके ऊपर वीडियो बनाए जानकारी दीजिए, वो भी मैं लोकल बैंक में अपना विड्रॉ करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया है इसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप लोग को हमेशा देखने को मिल सके। और आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप सब जाकर ऑनलाइन पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग से गेमिंग से आप जाकर ज़्यादा प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ भी करने जरूरत नहीं, जैसे अपना ऑक्टाफेस अपना ओपन कर लिए होंगे तो आप सभी सामने ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर आप सभी ऊपर दिखाई देगा थ्री डॉट पर जैसे अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा आपका वॉलेट दिखाई देगा। वॉलेट पे जैसे अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा एक्शन दिखाई देगा, हिस्ट्री दिखाई देगा, अबाउट दिखाई देगा। हिस्ट्री पे जैसे अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी लोग को दिखाई देगा आपका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाई देगा, आपने यहाँ पे कितनी बार लेन देन किया है सब कुछ यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितनी बार अपना मनी यहाँ पे रिसीव किया है, सभी के सभी 100% पेमेंट रिसीव हुआ है, कभी भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ऊपर आप सभी लोग को दिखाई देगा आपका बैलेंस दिखाई देगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट में टोटल बैलेंस है $454 मेरे अकाउंट में बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे पूरे बैलेंस अपना विड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे आप सभी लोग को दिखाई देगा एक्शन में डिपॉजिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, विड्रॉ करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ पे मनी विड्रॉ करना है तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा विड्रॉल पे जैसे अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा विड्रॉल टेम्पलेट। अगर आपने पहले से यहाँ पे अपना बैंक डिटेल ऐड किया है तो यहाँ पे आप सभी लोग को स्क्रीन पे शो होगा, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे आप सभी को नीचे दिखाई देगा आप किस में मनी विड्रॉ करना चाहते हैं। लोकल बैंक ऑप्शन मिल जाएगा, बिटकॉइन मिल जाएगा, डॉजकॉइन मिल जाएगा, एथेरियम मिल जाएगा, लिटकॉइन मिल जाएगा, नेटरल मिल जाएगा, स्क्रिल मिल जाएगा, TRC20 का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आप जिसमें चाहते हैं इजी अपना जाकर मनी विड्रॉ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा कि आप TRC20 में कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीन में कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे भी कुछ दिखाई देगा ऊपर लोकल बैंक, तो अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे ऐसे क्या करना है अपने लोकल बैंक ना क्लिक कर देना है। इस पर जैसे अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा सबसे पहले पेमेंट डिटेल डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे को करेंसी USDT में यहाँ पे ऐसे को अमाउंट डालना होता है। तो जो भी अपना मनी विड्रॉ करना चाहते हैं सबसे पहले अपना अमाउंट डाल लीजिएगा, अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे ऐसे नीचे से होगा सेंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, आपके बैंक में जो भी रिसीव होगा INR में यहाँ पे ऐसे पूरा शो हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा नीचे सेव टेम्पलेट, अगर आपने पहले से अपना बैंक अकाउंट ऐड किया है तो यहाँ से अपना जगह चूज कर सकते हैं, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो नीचे यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा बैंक अकाउंट डिटेल। तो सबसे पहले अपना बैंक चूज कर लीजिएगा, बैंक चूज करने के बाद यहाँ पे ऐसे नीचे दिखाई देगा IFC कोड, जो भी आपके बैंक का IFC कोड अपना IFC कोड डाल लीजिएगा। IFC कोड डालने के बाद नीचे ऐसे दिखाई देगा रिसीव बैंक अकाउंट, ठीक है, जिस भी बैंक अपना मनी विड्रॉ करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा। डालने के बाद नीचे ऐसे लोग दिखाई देगा आपका जो रिसीव नेम है ऑटो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ऐसे भी को दिखाई देगा योर ऑक्टाफेस पिन, तो यहाँ अपना ऑक्टाफेस पिन डाल लीजिएगा, जब आप अकाउंट बनाते हैं उसमें ऐसे लोग जाकर पिन भी बनाते हैं वही पिन यहाँ पे ऐसे जाकर डालना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चल के अपना अमाउंट वगैरह से कुछ भर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे $454 में यहाँ अपना अमाउंट भर दिया हूँ। और आप देख सकते हैं मुझे जो बैंक में पेमेंट रिसीव होगा टोटल रिसीव होगा 37,076 मुझे बैंक में रिसीव होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ नीचे ऐसे भी दिखाई देगा सेव टेम्पलेट, मेरा यहाँ पे पहले से बैंक ऐड है तो मैं अपना बैंक चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा मेरा डिटेल वगैरह सब कुछ आ गया है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी करने जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा नीचे योर ऑक्टापेस पिन, तो मैं यहाँ अपना ऑक्टापेस पिन डाल लेता हूँ। ऑक्टापेस पिन डालने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ भी करने जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे रिक्वेस्ट भी से अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, अपना पूरा सब कुछ कंफर्म कर लीजिएगा, डिटेल वगैरह सब कुछ मिला लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको दिखाई देगा द विड्रॉल टाइम कैन बी अप टू 3 बिजनेस डे, ये जो पेमेंट है 3 बिजनेस डे के अंदर आपको रिसीव होगा। सब कुछ डिटेल वगैरह मिलाने के बाद यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कंफर्म पे अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट है लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो लग गया है। अब मैं यहाँ पे इंतजार कर लेता हूँ, देखता हूँ ये जो पेमेंट है मुझे कब तक मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो विड्रॉल है सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, 3 घंटे के अंदर मुझे ये पेमेंट मिला है 37,076 रुपीज़। तो इस तरीके से आप भी अपना जाकर मनी विड्रॉ कर सकते हैं,
इजी यहाँ पे आपको विड्रॉ मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पे दे सकते हैं इसका पेमेंट प्रूफ। तब समझ गए ऑक्टापस में कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैं आज सभी को स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी दे दिया हूँ। और अगर आप एक न्यूजर हैं तो मैं इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप यहाँ से अपना जैसा कर सकते हैं अगर आप एक न्यूजर हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, ऑल द बेस्ट।